हैंड्स, क्लोज योर आईज फॉर प्रेयर। या वंदे मातरम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम वर्कबुक पार्ट 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टैंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझेंगे। ओके, आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है ना, तो देखो यहाँ पे ये स्टेयर्स होते हैं, उस तरह से ये बनाए गए हैं। हम स्टेयर्स चढ़ते ना 1 2 3 ऐसे। ओके, तो यहाँ पे 1 से नहीं 11 से ली है काउंटिंग। तो यहाँ पे पहले 11 है, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, फिर यहाँ पे से उल्टा आ गया है, यहाँ से उल्टा ले लिया है 19 18 17 16 15 14 13 12 11। और जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं ऊपर, तो वैसे ही देखो ये जो है कार्टून, ये ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये ऊपर चढ़ रहा है ना, स्टेयर्स चढ़ रहे। तो जब ऊपर की साइड में हम लोग जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। ओके, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो पहले सबसे पहले क्या आता है, छोटा नंबर आता है ना, तो छोटे से फिर बड़े पे जाते, बड़े से फिर उस बड़े नंबर पे, फिर बड़े नंबर पे, फिर बड़े नंबर से ऐसे छोटे से बड़े पे जाते। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े नंबर पर जाते। ओके, यानी कि अगर हमने 11 से स्टार्ट किया है तो 11 के बाद में 12, 12 से 13, 13 से 14 पे, 14 से 15 पे, इस तरह से छोटे से बड़े पर जाते। ओके, ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब असेंडिंग होता है तब हम चढ़ते हैं, हाँ, और डिसेंडिंग होता है तब हम क्या करते हैं, उतरते हैं, है ना। तो जब हम उतरेंगे, तो जब हम जब चढ़ेंगे तो एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे ना, और जब उतरेंगे तो फिर वहां से हम वापस नीचे आएंगे जहां पर पहले थे। तो उसमें क्या हो जाता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो बड़ा सबसे बड़ा नंबर आ जाता है, तो फिर हम जब उतरते हैं तो नंबर कैसा होता है, छोटा 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 होता हुआ है नीचे जाता है ना। जैसे अभी ये बॉय दिख रहा है आपको, ये कार्टून, ये देखो पहले 20 पे था, फिर 90 पे आया, फिर 18 पे आया, फिर 17 पे, 16 पे, 15 पे, 14 पे, 13 पे, 12 पे और 11 पे। यानी बड़े से छोटा नंबर होता गया, यानी बड़े से छोटे पे आए, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उतरते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हम चढ़ते हैं। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा होता है। ओके, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, आपको ऐसे ध्यान रखना है। ओके, और पिक्चर हमेशा माइंड में बिठा लो कि असेंडिंग में वो जो कार्टून था वो कहाँ जा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, यानी कि छोटे से बड़े पर जा रहा था, और डिसेंडिंग में जो कार्टून था वो नीचे उतर रहा था, यानी कि बड़े से छोटे पर जा रहा था। ओके, अब आपको एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल ही था एक तरह से, अब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग मतलब क्या, कि हमें चढ़ना है, ऊपर जाना है। ओके, यानी कि छोटे से बड़े पर जाना है। तो यहाँ पे 11 नंबर है, 11, 12, 12 के बाद में क्या आएगा, 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, हम लोग चढ़ते गए 11 नंबर से 12 नंबर पे गए, 12 से 13 पे गए, 13 से 14 पे गए, इस तरह से हम चढ़ते गए, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर हमने किया छोटे से बड़ा, है ना। वैसे ही देखो यहाँ पर भी है, 15 है, 15 से बड़ा क्या आएगा, 16, 16 से बड़ा 17, 17 से बड़ा नंबर 18, 18 से बड़ा नंबर 19, 19 से भी बड़ा नंबर 20, यानी कि छोटे से बड़े पर आ गए। ओके, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है।
अब आगे की जो दो कॉलम है जो खाली है वो आपको खुद करना है, आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी क्योंकि वो कार्टून में वो जो कार्टून था वो क्या कर रहा था, नीचे उतर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ रहा था और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो उतर रहा था, यानी कि बड़े से छोटे पर जा रहा था। तो देखो यहाँ पर 18 नंबर है, 18 के बाद छोटा नंबर क्या आएगा, उससे स्मॉल नंबर 17, 17 से स्मॉल 16, 16 से स्मॉल नंबर 14, 14 से स्मॉल नंबर 14, 14 से स्मॉल 13, है ना, बड़े से छोटे पर आए। ओके, इस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, बड़े से छोटा। ओके, आगे का जो कॉलम है वो आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 11 के बाद में 12 है, तो 12 के बाद में बड़ा नंबर कौन सा आएगा, 13। असेंडिंग ऑर्डर में हमको छोटे से बड़े पर जाना है, तो बड़ा 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 नंबर लिखते जाना आगे, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमें उतरना होता है, यानी कि बड़े से छोटे पर आना होता है। तो 20 है, 20 से छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 19, तो 19 के बाद में छोटा नंबर क्या आएगा, 18, 18 के बाद छोटा नंबर 17। इस तरह से छोटे नंबर लिखते, स्मॉल नंबर नीचे लिखते हुए जाना, बड़े से छोटे पर जाना, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखिए दोनों साइड में बॉल है, इस साइड में कितनी बॉल है, 16 बॉल है। ओके, और इस साइड में 12 बॉल है, यानी कि क्या हो गया, 16 इज ग्रेटर देन 12, यानी कि 16 जो बॉल है वो 12 से बड़ी है, यानी ज्यादा है। ओके, यानी कि 16 नंबर 12 से बड़ा है, ग्रेटर मीन्स क्या होता है, बड़ा। वैसे यहाँ पर 13 जो नंबर है वो 15 से कैसा लिखा है यहाँ पर, स्मॉलर, यानी कि छोटा है, स्मॉलर मीन्स क्या होता है, छोटा है। तो वैसे भी 15 नंबर जो होता है वो 13 से बड़ा होता है और 13 नंबर 15 से छोटा होता है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर समझाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, काउंट एंड राइट द नंबर इन बॉक्स। आपको यहाँ पर काउंट करके जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है। तो आपको मैंने पहले बताया था, ये जो पूरा ये जो नेकलेस बना है, ये जो माला बनी है हमारी नेकलेस, उसमें कितने बीड्स है अंदर, 10 बीड्स होते हैं, ये 10 बीड्स है। तो 10 है, 10 के आगे आपको जो लूज है वो काउंट करिए, तो 10 के आगे डायरेक्ट काउंट कीजिए, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे 14 लिखेंगे और यहाँ पे 10 है, 10 के आगे काउंट कीजिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे, यानी क्या हो गया, 14 इज स्मॉलर देन 17, यानी कि 14 17 से छोटा है, छोटा नंबर है ना, 14 नंबर कैसा हो गया, छोटा हो गया 17 से, स्मॉलर यानी क्या होता है, छोटा। वैसे भी हमको दिख रहा है कि 14 नंबर 17 से छोटा होता है। ओके, वैसे ही आगे के भी है, वो आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, पुट्स अराउंड द ग्रेटर नंबर। आपको यहाँ पर जो दो नंबर दिए हुए हैं सामने, टू नंबर्स दिए हैं, उनमें से जो ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स क्या होता है, बड़ा। ओके, बड़े नंबर पर आपको सर्कल करना है। अब यहाँ पे देखिए टू नंबर कौन से है, 15 और 18, तो 15 बड़ा है या 18 बड़ा है, 18, क्योंकि 15 के बाद में 16 आता है, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है, है ना, तो 18 नंबर कैसा हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया, तो आपको उस पर सर्कल करना है। अब देखिए यहाँ पे भी टू नंबर है, 20 और 11, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 20, क्यों, क्योंकि 11 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 12, 12 के बाद में 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यानी कि 20 नंबर आ गया लास्ट में, तो मतलब बड़ा होता गया ना नंबर, तो 20 नंबर हमारा कैसा हो गया, ग्रेटर, तो उसमें हम सर्कल करेंगे। ओके, आगे के वैसे ही आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, पुट ट्राइंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर। अब आपको स्मॉलर नंबर पे ट्राइंगल बनाना है। ओके, स्मॉलर नंबर मीन्स क्या हो गया, छोटा वाला नंबर। ओके, अब यहाँ पे 13 और 17 नंबर है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, 13, क्यों, क्योंकि 13 से बड़ा 14 है, 14 से बड़ा 15 है, 16 है, 17 है, तो बड़ा नंबर हो गया 17, तो 17 से छोटा नंबर कौन सा हो गया, 13। ओके, तो हम इसमें ट्राइंगल बनाएंगे। वैसे ही 18 और 8 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 8। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में 8 आता है, 8 के बाद में नंबर बढ़ते हैं, तो 8 के बाद में ही 18 आता है, तो 18 कैसा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। ओके, और 8 कैसा हो गया फिर, स्मॉलर। ओके, तो आपको ट्राइंगल बनाना है 8 नंबर पे, ऐसे ही आगे के जो है वो नंबर्स वो आपको कंप्लीट करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर. फर्स्ट काउंट द लीव्स एंड देन राइट द आंसर इन बॉक्स. ओके, यहाँ पर आपको जो लीव्स दिख रही है वो लीव्स आपको यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे नंबर लिखना है. तो यहाँ पे लीव्स मैंने काउंट की है तो कौन सा नंबर आ रहा है, 30 नंबर. वैसे यहाँ पे लीव्स काउंट की है तो यहाँ पे 15 नंबर आया. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 30 नंबर यहाँ लिखना है. इज स्मॉलर देन 15. यहाँ 13 क्यों लिखना है, क्योंकि स्मॉलर देन 15, 15 से वो छोटा है. 13 नंबर 15 से छोटा है. ओके, इस तरह से आपको नेक्स्ट 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर. काउंट एंड राइट द नंबर इन बॉक्स. ऑल्सो पुट राइट फॉर ग्रेटर नंबर एंड क्रॉस फॉर स्मॉलर नंबर इन बॉक्स. आपको जो ये पिक्चर्स दिख रही है ना पॉट की, पहले आपको ये काउंट करनी है. तो हम काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. विच नंबर गेट 14. 14 नंबर आया वो आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखना है. और ऊपर की साइड में आपको राइटिंग या क्रॉस करना है. तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको वापस से सेकंड जो पॉट है वो भी काउंट करनी पड़ेगी. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. यहाँ पे कौन कितनी पॉट है, हाउ मेनी पॉट्स, 13. ओके, अब 14 अगर इसमें क्या बोला है कि जो ग्रेटर नंबर है वहां आपको क्या करना है, राइटिंग करना है, और जहां स्मॉलर है वहां आपको क्रॉस करना है. तो 14 नंबर कैसा हो गया हमारा, स्मॉलर या ग्रेटर. ग्रेटर मीन्स बड़ा होता है. तो 14 नंबर कैसा हो गया हमारा, बड़ा यानी ग्रेटर नंबर. तो जहां ग्रेटर है वहां राइटिंग करना है. और 13 नंबर हमारा स्मॉलर हो गया यानी कि छोटा, और जहां छोटा नंबर है वहां क्रॉस करना है. ओके, इस तरह से आपको पहले पिक्चर्स काउंट करनी है, यहाँ पे दोनों साइड में पहले नंबर लिखना है, और फिर आपको कंपेयर करना है कि ग्रेटर कौन सा है, वहां पे आपको राइटिंग करना है, और जो स्मॉलर है वहां पर आपको क्रॉस करना है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. राइट द जस्ट प्रीसेंडिंग नंबर. प्रीसेंडिंग मीन्स क्या होता है, आगे वाला नंबर, जो आगे आता है वो नंबर, पहले जो आता है वो. ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिए हुए हैं, उसमें से एक कॉलम में यहाँ पे लिखा है 19, और आगे वाला जो कॉलम है, पहले वाला जो कॉलम है वो खाली रखा है. इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 19 के पहले का नंबर लिखना है. ओके, तो 19 के पहले क्या आता है, प्रीसेंडिंग नंबर क्या होगा हमारा, 18. ओके, वैसे 14 के पहले क्या आएगा, 13. पहले वाला नंबर लिखना रहता है प्रीसेडिंग में. ओके, इस तरह से आगे का आपको सारे कॉलम कंप्लीट करने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25. राइट द जस्ट ससेंडिंग नंबर. यहाँ पे भी देखिए आपको 2 कॉलम दिए हैं, उसमें से फर्स्ट कॉलम में नंबर लिखा है और उसके बाद के जो कॉलम है उसमें नंबर लिखा है नहीं, यानी कि आपको यहाँ पे सक्सेडिंग नंबर लिखना है. सक्सेडिंग नंबर मीन्स क्या होता है, बाद का नंबर. ओके, और प्रीसेडिंग में होता है पहले का. प्रीसेडिंग मीन्स पहले का, सक्सेडिंग मीन्स बाद का. ओके, तो यहाँ पे 13 नंबर है, 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 14. यहाँ पे 12 है, 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 13. 11 के बाद 10. इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर. राइट द मिडल नंबर. आपको यहाँ पे मिडल नंबर लिखना है. ओके, तो जैसे यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पे कोई नंबर लिखा था नहीं, और यहाँ पे 15 है. तो 13 और 15 के मिडल नंबर क्या होगा, 14. आप अगर 13 से बोलना स्टार्ट करोगे तो भी आपको आ जाएगा 13, 14, 15. हो गया ना कंटिन्यू. तो जो हमारा मिडल नंबर आता है वो आपको बीच में लिखना है. मिडल मीन्स बीच में लिखना है. ऐसे यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 13 दिया है, तो 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 12. और उसके बाद में 13 आ गया, यानी मिडल नंबर हमारा राइट है, 11, 12, 13. ओके, इस तरह से आगे क्या आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27. पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटर नंबर. यहाँ पर भी आपको ग्रेटर नंबर पर सर्कल करना है. ये आपको मैंने सिखाया है, फिर भी एक बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, 14 और 18. तो 14 और 18 में से ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया हमारा, 18. तो 18 पे हम सर्कल करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर. पुट ट्राइंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर. यहाँ पर आपको स्मॉलर नंबर पे ट्राइंगल करना है. क्या करना है, ट्राइंगल. ओके, जैसे अभी 13 और 20 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 13. तो आपको वहां पे ट्राइंगल करना है. 16 और 7 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 7. तो वहां पे आपको ट्राइंगल करना है. ओके, नेक्स्ट है 29 नंबर. पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर. यहाँ पे अब आपको कंपेयर करने के लिए 3 नंबर्स दिए. ग्रेटेस्ट जब आता है तब कंपेयर करने के लिए हमेशा 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 नंबर्स, कुछ भी आपको थिंग्स दिया जाएगा वो 3 होगा. ओके, तो यहाँ पे देखो 12, 15 और 20, यहाँ पे 3 नंबर्स है. तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ऐसा है. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, देखो पहले 12 है, 12 से बड़ा कौन सा है, 15. 15 से बड़ा कौन सा होगा, 20. यानी कि 20 नंबर कैसा है, सबसे ज्यादा बड़ा है तीनों में, तो हम उस पर सर्कल करेंगे. वैसे यहाँ पे 10, 19 और 11 है,
तो 11 तो स्मॉल, 10 नंबर स्मॉल है, 10 से बड़ा कौन सा हो गया 11, और 11 से भी बड़ा 19, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 19, तो उस पर हम सर्कल करेंगे। इस तरह से आपको आगे के कॉलम कंप्लीट करने, आगे जितने भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, पुट ट्राइंगल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पे ट्राइंगल करना है। अब देखो मैंने पहले बोला था जहां पर ग्रेटेस्ट यहाँ पे आया तो 3 कंपेयर करने के लिए 3 नंबर्स आ गए, स्मॉलेस्ट आया वहां पे भी कंपेयर करने के लिए 3 नंबर आएगा, स्मॉलर आएगा तो 2 नंबर्स आएंगे, स्मॉलेस्ट आएगा तो 3 नंबर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 16, 13 और 19 3 नंबर्स दिए हैं, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 19 बड़ा है, 19 से छोटा क्या है 16, और 16 से भी छोटा नंबर 13, यानी सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 13, तो उस पे हम ट्राइंगल करेंगे। वैसे 12, 13 और 14 में सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया 12, क्यों, क्योंकि 14 सबसे ज्यादा बड़ा है, उससे छोटा 13 है और सबसे छोटा 12 है। ओके तो 12 पे हम ट्राइंगल करेंगे। ओके स्टूडेंट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राइट द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर लिखना है, जैसे 13 है, 13 के बाद में कौन सा नंबर यहाँ पे मिसिंग है 14 आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 14 लिखना है। फिर 15 लिखा है, उसके बाद में कौन सा नंबर मिसिंग है 16, तो आपको यहाँ 16 लिखना है। फिर कौन सा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 17, उस तरह से आपको नंबर्स बोलना है और जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी वो मिसिंग है। ओके इस तरह से आपको आगे के जो भी है कम्प्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, कम्प्लीट द पिक्चर्स बाय ज्वाइनिंग नंबर्स इन ऑर्डर एंड कलर देम। आपको यहाँ पे जो नंबर दिया है 1, 2, 3, 4, तो आपको 1 से स्टार्ट करना है और उसको जोड़ते हुए 2 पे जाना है, 2 को 3, 3 से 4, ऐसे जोड़ते हुए आपको कंप्लीट करते हुए आपको यहाँ पे 20 नंबर तक जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद में कौन सा क्या बन रही है, किसकी पिक्चर बन रही है, डक की पिक्चर बन रही है। ओके और पिक्चर बनने के बाद में उसमें आपको कलर भी करना है। ओके स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, काउंट एंड एड। आपको यहाँ पे जो बीट्स दिख रहे हैं उनको काउंट करके यहाँ पर नंबर लिखना है और फिर बाद में उनको प्लस करके यहाँ आंसर लिखना है। ओके जैसे कि यहाँ पे कितने बीट्स से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर आया, इस सर्कल में 7 नंबर लिखना है। उसके बाद में सेकंड वाले बॉक्स में कितनी बीट्स से, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है सर्कल में। ओके तो 7 प्लस 5 करने पर कौन सा नंबर आएगा, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 नंबर आ रहा है। ओके आप लोग लाइन करके ड्रॉ करके भी आप प्लस कर सकते हो, जैसे 7 है तो 7 लाइन ड्रॉ कीजिए, या ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, दोनों में प्लस करना है तो ये बीट्स काउंट किए उसके बाद में तुरंत ये बीट्स काउंट करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके क्योंकि हमें दोनों को प्लस ही करना है, तो ये बॉक्स कंप्लीट होने के बाद में उसके आगे के जो नंबर है वहां से दूसरे बॉक्स में काउंट करना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे 12 नंबर आ गया। इस तरह से आपको ये पेज पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है काउंट एंड एड, ये भी आपको वैसे ही सिखाया जो अभी आगे बताया वैसे ही है, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, काउंट एड एंड मैच। यहाँ पे आपको पहले काउंट करना है, जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखना है, फिर दोनों पिक्चर्स में जो नंबर आएंगे उनको प्लस करके उससे जो सामने जो नंबर दिखेगा उसे मैच करना है। जैसे कि अभी ये फिश है तो फिश को काउंट करने पे कौन सा नंबर आया हमारा 8, और यहाँ पे जो फिश है उसको काउंट किया तो 9 नंबर आया, तो 8 प्लस 9 कितना होगा टोटल 17, तो 17 नंबर आपको सामने देखना है कहाँ है और उससे आपको मैच करना है। ओके और आप सेकंड ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया, ये दोनों में आपको प्लस ही करना है, तो पहले आप इधर से काउंट करते हुए टोटल यहां तक कर दीजिए टोटल नंबर्स, और उसके बाद में जो नंबर आएगा उसको सामने सर्च करके उससे मैच कीजिए। जैसे कि अभी पेंसिल काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दोनों में हमें प्लस ही करना है, तो कंटिन्यू आप काउंट कर दे जाइए। ओके तो हमने कंटिन्यू काउंट किया तो कौन सा नंबर आया हमारा 14 नंबर आया, फिर से चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके 14 नंबर मिला हमको, अब सामने के साइड में 14 नंबर कहाँ पर है, 14 कैसे होता है, तो 1, 4, 14 होता है, तो आपको उसे स्केल की हेल्प से आपको उसे मैच करना है। ओके इस तरह से आपको उसे मैच कर लेना है। ओके तो ये आपको अपने आप पूरा होमवर्क डू योर सेल्फ कम्प्लीट करना है। नेक्स्ट है 36 नंबर एड, आपको यहाँ पे एडिशन करना है। ओके तो पहले हमने 1-1 डिजिट के एडिशन किए थे, अब यहाँ पे भी 1 डिजिट ही है लेकिन ऊपर के साइड में 2 है नीचे 1 है, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा ये क्या आता है, वंस आता है, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे टेंस। ओके तो वंस के नीचे जो नंबर है उसको प्लस करके आप इधर लिखिए, और टेंस के नीचे अगर कोई नंबर है तो उसको प्लस करके यहाँ लिखना है, लेकिन अगर कोई नंबर नहीं है तो वो नंबर खुद ही नीचे आएगा। ओके जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 में हम 8 प्लस करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे 8,
ओके अब यहाँ वन है, वन के नीचे कोई नंबर है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर वन आएगा। वैसे यहाँ पे थ्री नंबर है, तो थ्री में फोर प्लस करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? सेवन। ओके, और यहाँ पर वन लिखा है, वन के नीचे कोई नंबर है क्या प्लस करने के लिए? नहीं है, तो वन ही नीचे आ जाएगा। ओके, और आप लाइन करके ड्रॉ करके भी काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ टू है तो टू वन टू लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर वन है तो यहाँ वन लाइन ड्रॉ कर दी, वन टू थ्री, टोटल नंबर कितना आ गया हमारा? थ्री। ओके, अब नेक्स्ट आगे के उसमें टेंस में वन नंबर है लेकिन नीचे कोई है क्या? नहीं है, तो वही नंबर वापस से आएगा, क्योंकि यहाँ पे वन है तो हमने वन लाइन ड्रॉ करी है, और यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है, तो फिर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? वन ही आएगा, तो हमने नीचे वापस से वन लिखा। इस तरह से आपको ये पूरा एडिशन कम्प्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, आगे के जो है क्वेश्चन हमारे, हम वो नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे। ओके, पार्ट थ्री हमारा बनेगा। वंदे मातरम, थैंक यू।